चाबी ना कुछ ऐसी आती है हमारी, फ्लिप की है, इसमें लॉक अनलॉक और हेडलाइट का बटन होता है, एक बेसिक की आती है इसके साथ। ये जो वेरिएंट है ये 24 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है, ठीक। इसकी रेंज जो कंपनी क्लेम करती है 315 किलोमीटर क्लेम करती है, मैक्सिमम जो फीडबैक आया है इसका 225 टू 250 किलोमीटर के अप्रोक्स आया है, ठीक है। इसकी हेडलाइट की बात करेंगे, ये जो है ये रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन में आती है। यहाँ पर हमारे पास फॉग लैंप की स्पेस है, लेकिन इसमें ना फॉग लैंप आता है ना DRL आता है, इससे अपर वेरिएंट्स में फॉग लैंप और DRL दोनों मिल जाएगा। साथ में बात करेंगे, ये ईवी के प्रॉपर इंसर्ट्स हैं, ये हमारी हर ईवी में दिखेगा आपको, ह्यूमैनिटी लाइन होती है टाटा की, ठीक। पियानो ब्लैक ग्रिल आ जाती है। अब आते हैं साइड की तरफ, तो इसका जो टायर है ये 14 इंचिस का आता है, जो टायर सेक्शन है, ठीक है। इसके आपको स्टील रिम्स मिलते हैं व्हील कवर के साथ। फेंडर पे डॉट ईवी हमारा अभी नया स्टार्ट हुआ है, उसकी बैजिंग मिल जाती है। अच्छा, ये नाइट में चमकता होगा? नहीं, सिंपल ऐसे ही रहता है। ओके, ठीक है। क्योंकि ये इंसर्ट्स हैं ईवी के लिए ओनली, जो ये ब्लू शेड है ना, सिर्फ ईवी के लिए। पियानो ब्लैक ORVMs आ जाते हैं। उसके बाद इसमें ही आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हैं ये, फोल्डेबल जो है इससे अपर वेरियंट्स में आते हैं। साथ में बॉडी कलर डोर हैंडल्स आ जाते हैं, ठीक है। साथ में 50 लाख प्लस कार्स हमारी जो है डिलीवर हो चुकी है, उसकी बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। ओके, बूट स्पेस की बात करेंगे, तो इसका जो बूट है यहाँ पर हमारे डमी एरिया दे रखा है। बेसिकली ये होता कैमरा का स्पेस है, अपर वेरिएंट्स में या कैमरा लगाता है, इसमें डमी दे रखा है। ये कैमरा जब ऑन होता है तो ये खुल जाता है? नहीं नहीं, ये इतना ही रहता है। खुलता भाई, खुलता है, ये डमी है। और डमी है वो, अच्छा, जब लगता है तो कैमरा यहाँ लग जाता है। इसी स्पेस पे कैमरा लग जाता है। इस वाले वेरिएंट में दो सेंसर मिल जाते हैं रिवर्स के लिए। कैमरा लगेगा तो लगवाना पड़ेगा अलग से, वो तो लगाना जरूरी है, ठीक है। इसमें बूट स्पेस जो है आपका कमी, ये 282 लीटर्स का बूट स्पेस आ जाता है। XT वेरिएंट है, इसमें पार्शल ट्रेन नहीं आती, अपर वेरिएंट्स में आती है। ये इसका 3.3 किलोवाट का चार्जर है, 3.3 किलोवाट का चार्जर जी। ओके सर, चार्ज हो रही है क्या? हाँ, चार्ज अभी हो रही है, हो रही है। अंदर आइए, हेलो हेलो, बैठे बैठे हैं। ओके सर, बैठ जाओ बैठे। सीट एडजस्टेबल है, अच्छा लग रहा है आपको सीट पे बैठ के? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये भी एडजस्टेबल। तो गाइस, ये इसकी चार्जिंग है, इस तरीके से चार्जिंग होती है, और बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बिना पेट्रोल, बिना CNG के, बिना कोई फ्यूल कंज्यूम किए इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, और टोटली शानदार है। बाकी भैया बता रहे हैं, बताइए। तो जैसा चार्जर इसका जो 3.3 किलोवाट का बताया है, इसका चार्जिंग कोड है, ये कहीं भी पावर कोड में ना आप पावर प्लग में लगा सकते हैं। ओके, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक कार है, इसमें कोई साउंड नहीं आती, इसलिए यहाँ पर जो है इंसुलेशन नहीं लगा रखी हमने। ओके, ठीक है। बात करते हैं अब, यहाँ पर ये बॉर्डर्स जो लगी हुई हैं, ये हमारी बैटरी को लिक्विड कूल्ड करने के लिए, एक AC के लिए कूलेंट डलता है इसमें, ठीक। एक हमारी बैटरी फ्लूइड के लिए जी सर, ये वाइपर वॉशर के लिए, इसमें वाइपर के लिए पानी जाएगा। ये हो गया आपका ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल जी। ये हो गई ABS यूनिट। ओके, ठीक। ये हो गया इसका कंट्रोलर, ठीक है। ये जो बैटरी है, अब आप मेरे से ये पूछ रहे थे कि ये बैटरी किस लिए है, जब इसमें दूसरी बैटरी है चलने के लिए। कभी भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, जब तक ये बैटरी चार्ज नहीं होगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स के लिए ये वाली बैटरी ही काम करेगी। बात करते हैं इसकी सर्विस की। हाँ, तो अब जो ईवी है, ईवी की सर्विस हम ऐसे बताते हैं 15,000 किलोमीटर पे, लेकिन फर्स्ट सीरीज सर्विस जो होती है ना, वो जल्दी जल्दी में होती है। ओके,
उनमें कुछ भी रिप्लेस नहीं होता, उसमें सिर्फ टॉप अप ही होते हैं। इंजन ऑयल डलता है इसमें? इंजन नहीं है तो ना इंजन ऑयल है, पेट्रोल और वैसा उसका कोई असर नहीं है ना, ऑयल फिल्टर है। ओके ठीक, एयर फिल्टर डलता है इसमें। बात कर लेते हैं अब ये साफ़ सफाई और मेंटेनेंस क्या है। कभी भी गाड़ी वॉश करवाओ, ये एरिया आपको कभी भी वॉश नहीं करवाना। ओके प्रेशर वॉश कराओगे तो इसके सेंसर्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। सही बात, ठीक, क्योंकि मोस्टली सेंसर्स यहीं पर है। इसका ECM वो रहा पीछे, फ्यूज़ बॉक्स ये है, ठीक, एयरबैग के सेंसर्स यहीं पर हैं। ओके हाँ, काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है ये गाड़ी का। बात करें अब आगे मेंटेनेंस की, 15,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होती है, जिस पर पोस्टिंग आता है 2,500 से 3,000 रुपये मैक्सिमम। बदलना क्या है? कूलेंट, बैटरी फ्लूड, ब्रेक ऑयल टॉप अप हुआ हुआ, अपना वॉशर पार्ट और वॉशिंग होगी गाड़ी। ओके बाहर से हम इसको वॉश करा सकते हैं? अगर आप कभी भी इसको साफ़ करवाना चाहते हैं अंडर हुड, तो अंडर हुड साफ होगा ब्लोअर से। अच्छा, जो हवा से एयर से, ठीक। अब टाटा जो दूसरे मैकेनिक होते हैं, क्या उनके पास ले जानी पड़ती है ठीक कराने के लिए? अगर सर्विस सेंटर में ही सर्विस होगी। हाँ, इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के, ठीक है। टाटा की पावर मैं आपको बोनट से बता सकता हूँ, 4-स्टार रेटेड गाड़ी है, पावरफुल। कितने चलने पर चलाने पड़ते हैं? 15,000 किलोमीटर। 15,000 किलोमीटर पर चलाने पर पहली सर्विस जो पहली सर्विस है ना, थ्री सर्विस तो कंटिन्यूसली होंगी, 5,000, 10,000, 15,000, ठीक है। 15,000 के बाद वाली सर्विस सीधी 30,000 की। और इसमें मतलब क्या खर्चा आ जाता है? सुना है इसकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी लो है या जीरो? क्या चेंज कराना पड़ता है? क्योंकि इसकी मेंटेनेंस में इसमें इंजन का लाइक कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी की सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है इंजन ऑयल में, 1700 से 1800 रुपये का आता है इंजन ऑयल। इसमें इंजन इसमें ऑयल डलना क्या है? कूलेंट, बैटरी फ्लूड, ब्रेक ऑयल टॉप अप होगा और अपना वाइपर का जो पानी डलना वो डलना। 2,500 से 3,000 रुपये सर्विस कॉस्ट आती है, एयर फिल्टर इंक्लूड है। सर कितने घंटे में फुल चार्ज हो जाती है? अभी जैसे मैंने ये वाला चार्जर आपके घर पे लगवा दूंगा तो ये 8 से 9 घंटे लेती है, 20% से 100% आने में। 8 से 9 घंटे? 8 से 9। अच्छा, ये पूरा सेटअप आएगा चार्जिंग नहीं, का नहीं, वो सिर्फ कोड आएगा। ठीक, चार्जिंग हो रही है, नॉर्मल चार्जिंग हो रही है, उसका ये स्विच आ रहा है, ठीक। ये पार्किंग ब्रेक का आ रहा है, साथ में जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ये बैटरी यहाँ से हटके ना ऊपर परसेंटेज आ जाएगी, 100% बिल्कुल। और क्या है इसकी वो क्या नाम है, प्रॉपर जो ये चलती है सिंगल चार्ज पे 225 से 250 चल जाती है एज पर फीडबैक जी। वैसे कितनी चलती है? 200 के आसपास। अच्छा, एक घंटे में बैटरी चार्ज करके तो कितने किलोमीटर चल जाती होगी? नॉर्मल से एक घंटा चार्ज करोगे तो 5 से 7% ही गाड़ी चार्ज होगी। ओके तो डीसी फास्ट चार्जर से, डीसी फास्ट चार्जर वो 56 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज करते हैं। ओके ठीक है। अब जो हमारा ये ग्लव बॉक्स आ जाता है ना, इसमें हमारा ये कूलिंग सिस्टम भी आ जाता है। यहाँ पर एक ये स्विच है, साथ में एक ये टैबलेट ट्रे है, इसको आप बंद करेंगे। अब स्टियागो में हमारे क्या आता है, हमारी पंचर रिपेयर किट आती है। ओके क्योंकि टियागो में हमारी बैटरी फ्लोर पे है, ऑल ईवीज में ना बैटरी फ्लोर में है, तो स्पेस सेविंग के लिए हमने इसमें स्टेपनी ना देके ना पंचर रिपेयर किट दी हुई है। तो स्टेपनी नहीं है? स्टेपनी नहीं आती इसमें। पंचर रिपेयर किट में आपका इन्फ्लेटर हो जाएगा, इन्फ्लेटर आ जाता है और एक टायर सीलेंट आ जाता है। आप इन्फ्लेटर इसमें लगाएंगे और टायर सीलेंट का आप टायर में लगाएंगे तो वो टायर का पंचर कवर कर देगा। और सर एयरबैग के बारे में? एयरबैग जो है हमारे, दो एयरबैग आते हैं, एक स्टेयरिंग में और एक पैसेंजर के लिए। अच्छा, यहाँ पे मेंशन्ड है SRS। ओके ठीक। IRVM की बात करेंगे, ये मैनुअली एडजस्टेबल है डे नाइट के लिए। ओके ORVM की बात करते हैं तो उसका जो है एडजस्टिंग यहाँ पर है। क्या, किस चीज़ की? ये ORVM आउटसाइड रियर व्यू मिरर। ओके ओके ठीक। मैं अब इसको इस साइड करूँगा तो ये वाला एडजस्ट होगा, सेंटर में रखूँगा तो कुछ कोई भी नहीं होगा, लेफ्ट में करूंगा तो लेफ्ट साइड वाला एडजस्ट होगा। ठीक। लॉक अनलॉक के लिए अभी कोई दरवाजा बंद नहीं है, इसलिए ये पूरा बंद नहीं हो रहा। एक बार अंदर का हुड दिखा देता हूँ आपको। हुड खोलने के लिए यहाँ पे लीवर्स हैं, यहाँ पर टोटल 3 लीवर्स हैं। ये वाला बोनट खोलने के लिए। ओके ठीक। ये आपका बूट ओपनिंग के लिए एक
ये वाला चार्जिंग लिड ओपन करने के लिए। अब बात करते हैं आगे, ब्रेक बड़े वाला ब्रेक है, छोटे वाला रेस है, ये वाला ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है। आपको कभी भी इस गाड़ी में अपना लेफ्ट फुट यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप लेफ्ट फुट से ब्रेकिंग करेंगे तो एकदम हार्श ब्रेकिंग होगी, क्योंकि हमें लेफ्ट पैर से अंदाज़ा रहता है क्लच का, क्लच हमको पूरा दबाना होता है। ओके अगर हम ब्रेक पूरी दबा देंगे तो पीछे वाला हमें हिट कर सकता है सडन ब्रेकिंग पे। बात करते हैं अब इंजन में, लेट भी सकते हैं इसमें आराम से, लेट बहुत बढ़िया सीट है ये तो, एडजस्टेबल है,